सोमवार को बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही स्थानीय पत्रकारों के साथ पत्रकार वार्ता आयोजित की। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला सोमवार को जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकार वार्ता आयोजित कर वह स्थानीय पत्रकारों से वहां की समस्याओं को लेकर रूबरू हुए। यहां उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में 300 करोड़ की लागत से रेडिको खैतान नाम की कंपनी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यहां के कई लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही अच्छी व सस्ती शराब लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान स्थानीय पत्रकारों ने जिले के दोनों टोल नाकों पर पत्रकारों को निशुल्क निकलने की सुविधा दिए जाने की मांग की। इंटरनेशनल एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी आई है वो आपके झांसी में एयरपोर्ट, आपके चित्रकूट में एयरपोर्ट, चित्रकूट में आपका डिफेंस वो फोरवे लाइन, आपकी खजुराहो की फोरवे लाइन दिल्ली से सीधी, आपका ये औद्योगिकरण का जो विकास जो आपने अभी झांसी में किया है, झांसी में एक कृषि इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड कृषि इंस्टीट्यूट आपने खोला है, ये क्या कम विकास हुआ है? एक साल के अंदर आमदनी रुकी हुई है। आप उसी पॉइंट को बार बार कह रहे हैं, मैं बार बार कहूं जनपद जालौन से चार साल से डेयरी बंद है। जनपद जालौन की चार साल से डेयरी इतनी बड़ी पड़ी हुई है, वो बंद पड़ी है। हम कोशिश करेंगे उसको खुलवाएंगे। ये पॉइंट है, हम तो खुद ही कह रहे थे कि आप यही चाहिए, आपसे हमें यही चाहिए। झांसी से यहाँ पे दूध मंगाया जाता है, यहाँ से झांसी भेजा जाता है। आपका बिल्कुल सही है, ये हम कोशिश करेंगे, अब ये हम पता लगा लेते हैं। एक कोशिश ये है, सुन लीजिए, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, रेडिको खैतान लगाना चाह रहा है, डिस्लरी का है, अगर आप लोग लिख के दें तो वो हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी भी है, यहाँ पास में गन्ना का भी है, भिंडमुरैना 300 करोड़ का है, डिस्लरी का प्रोजेक्ट है, और आप नेट पे जाके देख लीजिए, रेडियो खैतान 20,000 करोड़ की कंपनी है, और उनका रामपुर का अभी बहुत बड़ा डिस्लरी का यूनिट चल रहा है, पूरे भारत में उनके यूनिट है भी, उन्होंने ये हरदोई जा रहा था, मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से वो अभी लखनऊ भी पहुंच गए थे पिछले शुक्रवार को, माननीय नवनीत सहगल जी से मिले हैं, उनसे मिल रहे हैं, सिद्धार्थनाथ जी से मिल रहे हैं, मैंने कहा हम बुंदेलखंड में आ पाओ, आपको मदद करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए न्यूज बीके के संवाददाता देवेश स्वर्णकार के साथ उनकी खास बातचीत। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और माननीय राज्य मंत्री राजा बुंदेला जी। आज यहाँ इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ ही उन्होंने एक बात कही है कि पत्रकारों के हित के लिए जिले में पड़ने वाले दो टोल, उनके बारे में ये कहा गया कि इन टोलों को पत्रकारों को परिचय पत्र दिखा के निकल जाने की बात इन्होंने कही है। बात करते हैं इनसे, और साथ ही किन किन योजनाओं के लिए यहाँ पर ये आए हैं, बात करेंगे इनसे। महोदय, आपका स्वागत है न्यूज़ बीके में। अब हमें ये बताएं, यहाँ पे ये जो आपने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका विषय क्या था? हम लोग ये कार्यक्रम लेके पिछले महीने आए थे, जो हमने चित्रकूट संभाग किया था, ये ललितपुर और झांसी जी उरई जालौन ये जिले रह गए थे, उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस पूरी योजना का नाम है पानी जवानी और किसानी। इसमें हम पानी की समस्याओं को लेकर, नौजवानों के पलायन को लेकर, और किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। हम चौपाल लगाते हैं और शाम को हम अधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा बैठक करते हैं। वहाँ लोकल स्तर पर अगर कोई समस्या सॉल्व होती है तो वो करते हैं, और वरना शिकायतें लेके हम लखनऊ जाते हैं, और जो भी संबंधित जो विभाग होते हैं उनसे हम निकलवा कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जनता के बीच में जो किसानों को लेकर या दूसरे विरोधी पार्टी मुद्दे लेकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जो जनता को गुमराह कर रही है, हम उससे जनता को बचाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि एक बार आप योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल को देख लें और दूसरे लोगों के कार्यकाल को देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसने देश और जनहित में काम किया है। अच्छा, आज इस जनपद के पत्रकारों ने आपसे जिले में पड़ने वाले दो टोलों के समाधान के बारे में कुछ पूछा है, बताएं इस बारे में। मैंने कहा है कि पत्रकार बंधुओं की शिकायत को मैं लेके जा रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि विद इन कायदे कानून के तहत जो कुछ भी हो सकता है वो होगा। पत्रकारों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, कोशिश यही होगी कि चिन्हित पत्रकारों को एक
आईडी मिले, ये कार्ड मिले और जिसको दिखा के उनको आने जाने की सुविधा हो। मैं तुरंत कोशिश करूंगा लगन पर वही ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो किस मकसद से आए थे। अब बने रहिए हमारे साथ, क्यों खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता।